हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जुगाड़। तो आज की वीडियो होने वाली है लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि फिर से हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मॉस्किटो बैट को इस वीडियो में। क्योंकि यार पिछली वाली जो वीडियो आप लोगों ने इतना बेहतरीन प्यार दिया, वो वीडियो थोड़ी सी बेसिक लेवल पे थी, तो उसको आज हम एक अपग्रेडेड लेवल पे बनाने वाले हैं। ये पुराना मेरा मॉस्किटो बैट कुछ ज्यादा ही पुराना हो चुका है, और फॉर्चुनेटली खराब हुआ है दोबारा, तो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करने वाले इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रो मैं दे दूं ओवरऑल वीडियो के बारे में। तीन ऐसे मॉस्किटो बैट मेरे पास है जो खराब हुए पड़े हैं, और जिसके बदौलत ये वीडियो दोबारा मैं बनाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यार एक ऐसी प्रॉब्लम नई सी आई है ना कि इस मॉस्किटो बैट को बनाने में बहुत मजा आएगा। और सबसे बेहतरीन बात मैं क्या करने जा रहा हूं, एक मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा, मतलब आपके सामने मॉस्किटो बैट को तुरंत सही करूंगा, क्योंकि बहुत ईजी प्रोसीजर है। कुछ बेसिक से सामान आपके पास चाहिए। बेसिक से सामान में इस वीडियो में एक नया चीज हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो है एक कैपेसिटर। बेसिकली हम इस मॉस्किटो बैट को 2000 वोल्ट की आउटपुट वाला मॉस्किटो बैट बनाने वाले, तो पावर जो है ना कतई इंक्रीज करने वाली है इस वीडियो में। तो ध्यान से देखना, उसका कमाल जाने वाला है इस कैपेसिटर पे। एक कैपेसिटर जनरली आपको एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जिसपे इस टाइप के रेडियो पार्ट्स मिलते हैं उसमें मिल जाएगा। ये कैपेसिटर फिलहाल GBB81223J 200 वोल्ट्स का कैपेसिटर है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर ऑनलाइन प्रोवाइड होगा तो आप खरीद सकते हो वहां से भी। और दूसरी चीज बहुत ही प्यारी हमारी लिथियम आयन बैटरी, जो मैं निकालता हूं पुराने वाले लैपटॉप की बैटरी से। तो इसके अंदर 6 बैटरी होती है, 100 रुपये की मिलती है, 100 रुपये में आपको 6 बैटरी बहुत बेहतरीन चलने वाली है। तो तीन टाइप के मॉस्किटो बैट को हम आज रिपेयर करेंगे। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होगी जो मैं हाथ के हाथ आपको बताऊंगा जब अपनी टेबल पे मैं क्या कहते हैं जब मैं रिपेयर करना बेसिकली स्टार्ट करूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि यार जो पिछली वीडियो थी ना, बाई गॉड रिस्पॉन्स बहुत प्यारा आया था। और अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यार ये आई कार्ड पर लिंक आ रहा है, इस पर आप देख सकते हो, क्योंकि वो उस वीडियो में मैंने शेयर किया था कुछ बहुत ही बेसिक से क्या कहते हैं एक्सपीरियंस मॉस्किटो बैट रिपेयर को, और नॉलेज काफी दिया था। और दूसरी बात, इतना तगड़ा मैंने झटका खाया था ना उस वीडियो में जब मैंने क्या कहते हैं अपना मॉस्किटो बैट को रिपेयर करके टेस्ट किया था, हालांकि वो मैं चीज रिपीट दोबारा नहीं करने वाला हूँ। चलो बहुत बात कर ले, आ जाओ मेरी टेबल में, चलते हैं ना यार। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस के लिए। जैसे मैंने बताया था, मैंने तीन केस में इस वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट किया, तीन अलग अलग केस में। तो पहले केस में हमारा क्या, लाइट तो जल रही है यार, लेकिन जो रैकेट है वो वर्क नहीं कर रहा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कैपेसिटर में अंदर प्रॉब्लम होगी, तो उसको खोल के सही करते हैं। तो बहुत ही प्यार से जल्दी से हमने अपने जो मॉस्किटो बैट है इसको खोल लिया। देखो यार पुरानी बैटरी वही है जो मैंने अपग्रेड की थी पहले, और तब से सही चल रहा है। अब ये थोड़ी कैपेसिटर की मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो भाई पहले मदरबोर्ड मैं निकाल लेता हूँ और कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके मदरबोर्ड को निकाला। यही कैपेसिटर था और जिसकी वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताई थी। तो भाई मैंने एक नया कैपेसिटर लिया है, कैपेसिटर कोडिंग एक बार मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं। तो भाई देखो ये कोडिंग है कैपेसिटर की, 2000 वोल्ट का कैपेसिटर है। कॉफी पीते पीते हमने अपने उसको डिस्चार्ज किया और कैपेसिटर को निकाला, वापस कैपेसिटर को लगाया है और उसको अच्छे से लगा के सोल्ड कर दिया। अब देखो प्रॉपर तरीके से जब तुम सोल्ड कर लोगे वापस, जैसे तार तुमने निकाला था तुमने वापस ही वैसे तार को वापस सोल्ड कर देना। थोड़ा बैटरी कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो बैटरी का कनेक्शन लूज हो गया था, तो मैंने कहा सोचो उसको भी थोड़ा रीसोल्ड कर दिया, तो मैंने उसको भी रीसोल्ड कर दिया। ऐसा कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया, ठीक। तो ऐसे मैंने लगा दिया, पहला केस हमारा सेट हो गया। बात करते दूसरे केस में, दूसरे केस में एक अतरंगी प्रॉब्लम आई मेरे साथ। अतरंगी प्रॉब्लम क्या, मैं बैडमिंटन रैकेट को चला रहा हूँ, चल नहीं रहा, ठीक। लेकिन जब मैं चार्जिंग में इसको लगा रहा हूँ तो चार्जिंग में परफेक्टली इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन लाइट जल रही है। तो देखते क्या है, जैसे ही मैंने बैडमिंटन रैकेट खोला तुरंत मुझे कमी पता चल गई, बैटरी का कनेक्शन का जो तार था वो निकल गया था। वापस शोल्डर में मैंने लगा दिया, तो यार ये परफेक्टली वर्क करना चालू हो गया है। अभी रुकिए, मैं एक सेकेंड रुकिए, मैं लगा देता हूँ, टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो प्रॉफिट परफेक्टली मतलब काम कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा मैंने सोचा कि कुछ नया टाइप का वो करते हैं, अरे बंद हो गया, ठीक है नया क्या करते हैं। मैंने सोचा एक और नया कैपेसिटर जोड़ देते हैं, देखते हैं पावर इंक्रीज होती है कि नहीं होती है। और मैंने ऐसा क्या, देखिए ये थोड़ा ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लिया मैंने बस ऐसे ही मज़े में। तो लगा दिया एक और कैपेसिटर। अब भैया जहाँ तक मुझे लगता है 4000 वोल्ट की तगड़ी ताकत, बड़ी है ताकत नो डाउट, लेकिन ठीक है यार सफिशेंट है। हटा दो भाई इसको, पैक करके रख लो, ज़्यादा नहीं पता चला इंसानी चिपक के मर मुरा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको बंद कर दिया। बात करते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में भी एक नई प्रॉब्लम आई, हमारा परफेक्टली वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी पावर है
वो काफ़ी कम लग रही है। तो हमने खोल दिया वापस बैडमिंटन रैकेट को और क्या कहते हैं मदरबोर्ड को निकाला, टेस्ट किया बैटरी को, तो यार बैटरी 3.5 वोल्ट दे रही है। एक्चुअली मैं बात किया, ये ऑलमोस्ट 1.5 साल पुराना मेरा रैकेट है, तो यार बैटरी इसकी वीक हो गई, तो मैंने नई बैटरी लगा दी है। ठीक, अब बैटरी को एक बार दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ क्या वोल्टेज दे रही है। ओके, तो अराउंड 3.81 दे रही है, मतलब देखो बहुत 0.3 बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन यार बहुत पुरानी हो गई थी बैटरी, तो यार किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का एक लाइफ टाइम पीरियड होता है, तो वीक हो गई थी इसलिए बदल दिया मैंने। मैंने सोचा यार अभी भी वीक होगा तो कैपेसिटर भी चेंज कर देते हैं, हाथ के हाथ एक बार में काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने कैपेसिटर को भी निकाला और मतलब सॉरी डीसोल्ड किया और कैपेसिटर को नया लगा दिया। यही नया वाला कैपेसिटर हमारा बहुत धासु चीज़ है यार ये, मतलब लगा दोगे बिल्कुल नया हो जाएगा। कोई और जिसमें देखिए दो चीज़ होती है, एक बैटरी एक कैपेसिटर, पूरे रैकेट में यही काम होता है जो हमारा करता है। वापस बढ़िया से शोल्डर कर दिया और हमारा रैकेट बहुत ही प्यार से चलेगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ बहुत अच्छे से, सही ना, लाइट बंद करके भी दिखाता हूँ, मतलब तुम समझ रहे हो यार कितनी तगड़ी स्पार्क देखो भाई। ठीक है, तो यार यही था और चलो बस इतना ही था। सो गाइज दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देखो यार तकरीबन 3 मिनट में मैंने क्या किया, पूरे 3-4 मिनट में पूरा बैडमिंटन रैकेट आपको बनाने बताया, तो यार बहुत ही बेहतरीन तरीका था। कोई भी टाइप की डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो कि कैसे क्या क्या किया, तो यार कमेंट्स में जी भर के पूछो। और देखो एक प्रॉब्लम सी थोड़ी सी होती है कमेंट्स का, मैं रिप्लाई करता हूँ, हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुँचती हो, तो अगर आप कोई डाउट पूछ रहे हो कमेंट कर रहे हो, तो यार 1-2 दिन के अंदर एक बार दोबारा कमेंट अपना खोल के चेक कर लो, 110% मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक, तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जी भर के लाइक आप ठोक सकते हो, मतलब जी भर के तो नहीं, एक ही बार ठोक सकते हो, तो अच्छे से लाइक ठोको। और ये जो सब्सक्राइब वाला गोला आ रहा है इस पे मुक्का मारो और सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, ब्रिंगिंग टू एक बहुत ही बेहतरीन और नया जुगाड़ के साथ जरूर आऊंगा मैं। तब तक लिए बाय बाय। I'm alone.